ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेरा। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन एंड लेजर स्पेशलिस्ट। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ कराची में। DSM डर्मेटोलॉजी एंड लेजर सेंटर मेरी क्लिनिक का नाम है, विच इज लोकेटेड एट पार्क टावर्स मॉल, क्लिफ्टन, कराची। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो बहुत ही कॉमन है और उसके बारे में बहुत सी क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पेजेस पे हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं। सो आई थॉट टू पुट अप दिस वीडियो फॉर यू ऑल। और वो टॉपिक है एक्ने का, जिसे आम जुबान में पिंपल्स कहा जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब एक्ने जो है वो मोस्ट कॉमनली यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होती है, जो आ जाता है आपके 15-25 इयर्स के ब्रैकेट में। लेकिन एक्ने लेट एज में भी हो सकती है, जिसे अडल्ट एक्ने कहा जाता है, और वो 30+ ब्रैकेट के अंदर आता है। एक्ने की बहुत सी वजूहात होती हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न एक्ने का होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपके हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्ने कॉज करने में। और इसके अलावा जो फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं एक्ने के आने में, उनमें जेनेटिक्स आ जाता है, आपकी यू नो क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे इस्तेमाल करना जो कॉमिडोजेनिक होते हैं, यानी वो एक्ने की फॉर्मेशन में आपको यू नो वो वर्स करते हैं या एक्ने की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, हाई ह्यूमिड वेदर का आ जाना, स्ट्रेस कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज करता है जिनकी वजह से आपको एक्ने की इरप्शन हो सकती है। एंड देन उसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हाई शुगर कंटेंट आपका आ सकता है, स्किन का ख्याल ना रखना या अनहाइजीनिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी एक्ने की इरप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक बैक्टीरिया होता है बेसिकली, वो आपकी जो आपके कॉमिडोन्स या जो इनिशियल स्टेज जो एक्ने की होती है उसमें अगर वो इन्फेक्ट कर जाए तो उस सूरत में आपको पेप्यूल्स या पस्टूल्स यानी जो गन भरे दाने हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब एक्ने की जो मैनेजमेंट होती है वो डिपेंड करती है आपकी कौन से ग्रेड की एक्ने है, आपकी कौन से स्टेज की एक्ने है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेज और ग्रेड वन से। 4 स्टेजेस होते हैं इसके। जो ग्रेड वन होता है उसमें जो आम जुबान में आप लोग वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स कहते हैं और मेडिकली जिनको कॉमिडोन्स कहा जाता है वो बन जाते हैं। और जो सेकेंड स्टेज जो होती है उसमें आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के साथ टाइनी यू नो रेड और येलो बम्प्स का बन जाना, जिसे पेप्यूल्स और पस्टूल्स मेडिकली कहते हैं, वो बन जाते हैं। एंड देन थर्ड स्टेज में पेप्यूल्स पस्टूल्स और कॉमिडोन्स के साथ आपके नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स क्या है कि वो हार्ड गठलियां आपको फील होंगी अपने चेहरे पे। और इसके अलावा थर्ड स्टेज में एक्ने आपके ट्रंक को भी कॉज करती है, आपके शोल्डर्स पे होती है, आपके चेस्ट पे आ जाती है। तो थर्ड स्टेज में जरा एक्ने ज्यादा एरिया को आपके कवर करती है। एंड देन फोर्थ स्टेज में देयर इज अ कंडीशन विच इज नोन एज जो सिवियर फॉर्म होती है एक्ने की, उसमें नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने बनती है। नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने में आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पेप्यूल्स और पस्टूल्स के साथ आपके एक तो गठलियां बनती हैं और सिस्ट बन जाती हैं, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी पानी भरे हुए जो सिस्ट होती हैं वो फॉर्मेशन हो जाती है। वो सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने है। और आप सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी एक्ने ख़राब होती है बल्कि वो जो जरासीम होता है जिसके जो एक्ने कॉज करता है उसके खिलाफ आपकी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है, जिसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो मेडिकेशंस जो हैं आपको आगे चल के फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। तो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अपनी एक्ने के बारे में, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर डिजीज जिसकी प्रॉपर कॉज का रूल आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ उसकी प्रॉपर मेडिकेशन स्टेज के हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, कि स्टेज वन की अलग होती हैं वो माइल्ड होती हैं, देन स्टेज टू देन स्टेज थ्री में हम लोग थोड़ा सा सिवियर मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं, और स्टेज फोर के अंदर फिर हम लोग प्रोसीजरल यू नो ट्रीटमेंट्स भी की जाती हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की तरफ आऊँ तो वील स्टार्ट विद स्टेजेस। स्टेज वन में अगर सिर्फ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनते हैं
तो फिर उसमें हम आपको टॉपिकल एप्लीकेशन लगाने के लिए देंगे, आपको क्लींजर्स देंगे जिसमें सैलिसिलिक एसिड का होना इम्पॉर्टेंट है, एजिलिक एसिड का होना इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा प्रॉपर क्लेंजिंग आपकी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेज टू में हम लोग आपको देंगे टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ ओरल एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। स्टेज थ्री में टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ ओरल एंटीबायोटिक्स एंड देन ओरल ट्रेटिनोइन दिया जाता है। स्टेज फोर में हम लोग टॉपिकल एप्लीकेशंस तो देंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स भी देंगे और ओरल आइसोट्रेटिनोइन भी देंगे, लेकिन उसके साथ शॉर्ट कोर्स ऑफ में भी स्टेरॉइड का भी आपको दिया जा सकता है, इंट्रालीजनल कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो हम आपको दे सकते हैं, और हार्मोनल थेरेपी भी रखा जाता है। तो जो मैनेजमेंट होती है एक्ने की वो बिल्कुल डिपेंड करती है आपके स्टेज ऑफ एक्ने कौन सी है एंड देन फिर उसके कॉज भी। और इन सब के अलावा जो अब अगर हम दीज क्लिनिकल मेडिकेशंस के अलावा अगर हम प्रोसीजर्स की तरफ आए तो प्रोसीजर्स में हमारे पास केमिकल पील्स हैं, PRP है, सिंपल माइक्रो नीडलिंग है, फिर कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं वो अगर एक्ने की वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज एक्ने स्कारिंग, तो अगर एक्ने स्कार्स बन जाएं तो वो एक केमिकल एजेंट होता है, उसकी टॉपिकल एप्लीकेशन आपकी डायरेक्टली अंदर स्कार्स के होती है जिससे वो स्कार्स का उसका रिविजन हो जाता है। तो सूनर द बेटर वाली बात है कि जितना जल्दी आप जो है वो उसको मैनेज करेंगे उतना जल्दी आपको उसके साइड इफेक्ट्स या रेपरकशंस नहीं होंगे जो एक्ने के हो सकते हैं। तो ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस और सेल्फ मेडिकेशन बिकॉज दे विल लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो और अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। DSM डर्मेटोलॉजी एंड लेजर सेंटर मेरी क्लिनिक का नाम है, विच इज़ लोकेटेड एट पार्क टावर्स मॉल क्लिफ्टन। थैंक यू।